हे गाइस, माय नेम इज वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द कॉग्रियंट सैलरी। कॉग्रियंट में सैलरी आपकी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर 3 साल के बाद, या फिर 4 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आप कॉग्रियंट का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अपन डेटा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 2019 बैच से। फ्रेंड्स, मैंने भी कॉग्निट को 2019 बैच में ज्वाइन किया था, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी किया था, और मैंने कॉग्निट को 2 साल के थोड़ी से पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कॉग्निट को, और मैंने उनसे ये डेटा निकाला हुआ है कि दिसंबर 2022 तक उनका हाइक किस हिसाब से हुआ है और कितना हाइक हो गया, अभी उनके अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट होती है। तो फ्रेंड्स, हर एक चीज यहाँ पर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हर मंथ उनकी अकाउंट में कितनी क्रेडिट होती थी सैलरी और कब कब उनके हाइक हुए, तो सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ऑलरेडी कि अपन यहाँ पर जो भी डेटा देखने वाले हैं वो 2019 बैच के हिसाब से देखने वाले हैं, जिन्होंने 2019 में कॉग्निट ज्वाइन किया था एज अ पैट प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। तो जो लोग भी 2019 बैच के अलावा हैं, जिन्होंने 2029 के पहले ज्वाइन किया या फिर उसके बाद ज्वाइन किया, उनके लिए डेटा यहाँ पर उधर उधर हो सकता है, तो हो सकता है वो लोग मेरी बात से अग्री ना करें, लेकिन जो भी मैं यहाँ पर डेटा बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक चीज यहाँ पर सही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं 2019 में जिसने भी ज्वाइन किया था, मैंने जैसे ज्वाइन किया था या फिर मेरे दोस्तों ने, तो पहले सबसे पहले ज्वाइन किया था हम लोगों ने 3.4 LPA पर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 3,38,000 रुपए में ज्वाइन किया था। डेजिग्नेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो डेजिग्नेशन हमको मिला था पैट, दैट इज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग, और हमारे अकाउंट में हर मंथ 21,700 रुपए मंथली क्रेडिट होता था। हर मंथ 21,700 रुपए हमारे अकाउंट में आता था। तो ये हो गया फ्रेंड्स एज अ फ्रेशर जब हम लोगों ने ज्वाइन किया एज अ पैट। लेकिन उसके बाद हमारी कुछ ट्रेनिंग्स हुई, कुछ लोगों की ट्रेनिंग्स हुई, कुछ लोगों की नहीं हुई। ट्रेनिंग्स हुई थी हम लोगों की 2019 बैच में, एक पर्टिकुलर कुछ हम लोगों के टेस्ट हुए थे बेस्ड ऑन जावा, बेस्ड ऑन एसक्यूएल। तो जिनके वो कोडिंग राउंड या फिर एसक्यूएल की क्वेरीज के जो राउंड निकल गए थे उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें से मैं भी था, तो मतलब मेरी कोडिंग वगैरह के राउंड निकल गए थे, तो मेरी भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई किसी प्रकार की, एक भी दिन की कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई मेरी कॉग्रियंट में। मतलब 2019 मैच में जनरली ऐसा हुआ था कि टेस्ट लिए गए थे हम लोग के, और उसमें से मतलब निकाल लिया गया था 50 लोगों को करीब, निकाल लिया गया था, छाड़ लिया गया था जो क्रीम लोग हैं उनके हिसाब से, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2020 में कोविड आ गया था, और 2020 में हमको 1 साल हो गया था। फ्रेंड्स, हमने जुलाई 2019 में ज्वाइन किया था, तो जुलाई 2020 में हमको 1 साल हो गया था। फिर उसके बाद हम लोगों की डेजिग्नेशन प्रमोट हो गई और हम लोग पैट से हो गए पीए, दैट इज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी से हो गए हम लोग प्रोग्रामर एनालिस्ट। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, और उसके पहले क्या होता था अपार्ट फ्रॉम 2019 बैच में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए क्या होता था कि आपको पैट से पीए कन्वर्ट होने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टेस्ट देने पड़ते हैं, जो आपके सेट ऑफ स्किल्स वहां पर रहते हैं कॉग्निट में, जो आपने पोर्टल में डिफाइन कर रखे थे उससे रिलेटेड आपके टेस्ट होते हैं, वो आपको क्रॉस करने होते हैं, उसके बाद ही आपका जो डेजिग्नेशन है वो प्रमोट होता है, तब आप प्रमोट होते हो पीए के लिए। तो हम लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रमोशन मिल गया था कुछ, लेकिन कुछ लोगों के हमारे बैच में 2019 बैच में भी काफी लोगों के टेस्ट हुए थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या किया था, ऑटो प्रमोट कर दिया था पीए में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सभी को प्रमोट कर दिया था जुलाई 2020 में, तो हम लोग हो गए जुलाई 2020 में हो गए पैट से पीए, दैट इज प्रोग्रामर एनालिस्ट, और हमारी फिर जुलाई से सैलरी आने लगी फ्रेंड्स, दैट इज 25,000 इन अकाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दैट इज 25,000 एक साल बाद। तो ज्वाइन हमने किया 21,700 में, फिर हो गई हमारी सैलरी 25,000, और जो फ्रेंड्स हम लोगों ने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था ये हमारे अकाउंट में आती थी सारे डिडक्शन के बाद, डिडक्शन इन सेंस उसमें हमारा पीएफ भी था, उसमें हमारा वेरिएबल पे भी था, उसमें हमारा जो मेडिकल क्लेम वगैरह भी रहते हैं, वो कुछ अदर कंपोनेंट्स वगैरह भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा प्रोफेशनल टैक्स वगैरह जो भी लगता है दुनिया जगह, तो उसके डिडक्शन के बाद 21,700 आता था, और फर्स्ट हाइक जब हमारा हुआ दैट इज पीए जब हम भरेंगे तो 25,000 रुपये आने लगा। तो फ्रेंड दिस इज द सैलरी एट कॉग्निट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी पीए में कन्वर्ट हो गए थे आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सभी के अकाउंट में 25,000 आता था, और 200-400 रुपये इधर उधर होता है बेस्ड ऑन दी लोकेशन। अगर आप चेन्नई साइड लोकेशन पर हैं तो आपको 200 रुपये 400 रुपये थोड़ा सा ज्यादा आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे रेटिंग दी गई हो और रेटिंग के बेस पे आपका 25,000 से कम रहा हो या फिर किसी के 25,000 से ज्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फ्रेंड्स 1 साल कंप्लीट होने के बाद 3 महीने बाद हमको फिर से एक हाइक मिला। हाइक जो इस बार मिला फ्रेंड्स हमको, वो फिर से सभी को दिया गया बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि जो फ्रेशर्स थे 2020 बैच वाले थे उनको ज्यादा पैकेज पर कॉग्निट ने हायर किया था, एंड दैट इज 4.1 LPA। तो अभी क्या हुआ कि फ्रेशर्स का पैकेज हम लोगों से ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए 3 महीने बाद फिर से हमको हाइक दिया गया, और अब हमारे अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होने लगी थी फ्रेंड्स वो होने लगी थी एग्जैक्ट 30,000। तो 30,000 रुपये हमारे अकाउंट में आने लगे थे आफ्टर 1.3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज एट कॉग्निट आई एम टेलिंग। तो ये सबसे ज्यादा हाइक था मतलब 2019 बैच में, जो बिग एमएनसीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निट, विप्रो, तो इन सब में देखा जाए तो कॉग्निट ने सबसे अच्छा हाइक दिया था, सबसे तगड़ा हाइक दिया था। तो फ्रेंड्स इसके बाद 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे जुलाई 2021 में, उसके बाद सभी को फिर से हाइक दिया गया लेकिन बेस्ड ऑन दी रेटिंग।
किसी की रेटिंग 1 थी, किसी की 2, 3, 4 एंड 5, और जो सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है ओग्नि में दैट इज 5, सबसे कम रेटिंग मानेंगे अपन यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैं हाइक यहाँ पर बता रहा हूँ आपको बेस्ड ऑन दी फोर्थ रेटिंग, क्योंकि मैंने जुलाई 2021 के पहले ही अपनी कंपनी छोड़ दी थी कॉग्निएंट, और मैंने जून में ही छोड़ दी थी, तो ये वाला हाइक मुझे नहीं मिला था, मेरे फ्रेंड को मिला था, और जो अभी भी कॉग्निएंट का पार्ट है मैंने बताया, तो उसी से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। तो उसको 4 रेटिंग मिली थी, मैं यहाँ पर नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ अपने फ्रेंड का, तो उसके बेसिस पर जो हाइक हुए उसके फ्रेंड्स, तो वो हो गए सीधे 30,000 से 36,000, तो 2 साल बाद सीधे हो गए 36,000 रुपये। तो वहीं अगर आप देखेंगे, अगर आपने कॉग्निंट को जुलाई 2019 में ज्वाइन किया 21,700 रुपये, और 2 साल बाद, एग्जैक्ट 2 साल बाद आपके अकाउंट में 36,000 रुपये आने वाले फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, 2.3 ईयर्स बाद, मतलब 2 साल तो हो गए आपके, फिर 3 महीने बाद फिर से एक कंपनी ने हाइक दिया, वो सबको हाइक दिया, जनरल प्रमोशन टाइप का था, मतलब कोई डेजिग्नेशन वगैरह आपकी नहीं बढ़ाई थी, 2 साल बाद भी कोई आपकी डेजिग्नेशन नहीं बनी थी, सीधा हाइक हुआ था, एंड 2.3 ईयर्स मतलब 3 महीने बाद फिर से आपको एक हाइक दिया गया, और आपका यहाँ पर सैलरी आने लगी फ्रेंड्स एग्जैक्ट 41,000। तो फ्रेंड्स सीधा 41,000 अकाउंट में आने लगे आफ्टर 2.3 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर अगर एक बार अपन पूरी हायरार्की देखें, तो एज ए फ्रेशर आपने ज्वाइन किया 21,700, उसके बाद 1 साल बाद आपका प्रमोशन हुआ, आपके अकाउंट में आने लगी 25,000, उसके बाद 3 महीने बाद आपको बैलेंस आउट किया गया, आपके अकाउंट में आने लगे 30,000, देन आफ्टर दैट आपके 2 साल हो गए तो आपके अकाउंट में आने लगे 36,000, उसके बाद 3 महीने और हो गए तो आपके अकाउंट में आने लगे 41,000। देन फ्रेंड्स दिसंबर 2021 के एंड में सभी को एक मेल आता है कि यू गॉट प्रोमोटेड टू एसोसिएट। तो अभी सभी को क्या कर दिया था, एसोसिएट बना दिया था प्रोग्रामर एनालिस्ट से। तो फ्रेंड्स अगर आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती तो फिर से आपका हाइक होना बनता है। तो फ्रेंड्स जनवरी 2022 में सभी का हाइक हो गया, लेकिन ये उन्हीं का हुआ जिनकी डेजिग्नेशन बढ़ गई, सभी की डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुई थी, कुछ लोगों की हुई थी, कुछ लोगों की नहीं हुई थी, बेस्ड ऑन दी रेटिंग, मतलब जिनको 2 साल के बाद रेटिंग अच्छी मिली थी, 3 रेटिंग 4 रेटिंग 5 रेटिंग, उनका हाइक यहाँ पे हुआ था और उनकी डेजिग्नेशन चेंज हुई थी। 1 एंड 2 रेटिंग वालों को मुझे आइडिया नहीं है कि उनका डेजिग्नेशन चेंज हुआ था या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं जो डेटा लिया है मैंने उससे लिया है, मेरे फ्रेंड से जिसकी 4th रेटिंग थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। तो उसको जब डेजिग्नेशन चेंज हुई, उसकी एसोसिएट जब वो बन गया जनवरी 2022 में, तो उसके अकाउंट में फ्रेंड्स क्रेडिट होने लगी 47,000, एक्जैक्टली 47,000। एंड फ्रेंड्स अगेन अभी अक्टूबर 2022 में सभी को फिर से हाइक दिया बेस्ड ऑन दी रेटिंग की, जिसकी क्या रेटिंग रही है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस, और जो मैनेजर के द्वारा जो रेटिंग वगैरह मिलती है उसके बेसिस पे फिर से हाइक हुआ, उसको फिर से अच्छी रेटिंग मिली फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स अक्टूबर 2022 से उसके अकाउंट में अभी फ्रेंड्स 54,000 रुपीज यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे अगर आप तो 3.5 साल बाद आपके अकाउंट में 21,700 से सीधा 54,000 रुपए आने लगे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका इनकम टैक्स वगैरह भी डिडक्ट होता है, आपका पीएफ अमाउंट भी बढ़ जाता है, सारी चीजें बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 54,000 आ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाइक है, बंपर हाइक मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे कॉग्निएंट में दिया था और अभी भी दे रही है। कॉग्निएंट ने अभी पॉलिसी लाई है कि हर 6 महीने वो अपने एम्प्लॉयज को हाइक देगी। क्या है मेन रीजन यहाँ पे, ये है कि कोविड में ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, रिजाइन कर रहे थे। अभी आपको पता है कि विप्रो से 90 डेज में करीब करीब 20% लोगों ने वहां से रिजाइन दे दिया है। तो यहाँ पे कॉग्निएंट ने थोड़ा सा सोचा कि अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन किया जाए, तो इस वजह से इन लोगों ने पॉलिसी चेंज किया है यहाँ पे इंक्रीमेंट में, और हर 6 महीने में यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं समराइज कर दे रहा हूँ, जब आपने फ्रेशर एज ए फ्रेशर 2019 बैच की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जब एज ए फ्रेशर आपने ज्वाइन किया तो 21,700 रुपए, उसके बाद 1 साल बाद आप पीए में कन्वर्ट हो जाते हैं पैट से, तो आपके अकाउंट में आता है 25,000। आफ्टर दैट 3 मंथ्स बाद आपको यहाँ पर होता है बैलेंस आउट और आपके अकाउंट में आने लगते हैं सीधा 30,000 रुपए। फिर आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में आने लगते हैं 36,000 रुपए। फिर 3 महीने बाद फिर से आपको यहाँ पर हाइक मिलता है तो आपके अकाउंट में आने लगते हैं 41,000। आफ्टर दैट आप एसोसिएट बन जाते हैं तो आपके अकाउंट में आने लगते हैं 47,000। देन आफ्टर दैट अक्टूबर 2022 जो रिसेंटली अभी हाइक हुआ था फ्रेंड, उसके बाद अकाउंट में आने लगे सभी के अकाउंट में 54,000 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर करने की कोशिश की। अगर आप 2019 बैच से हैं कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और रिसेंटली आपकी सैलरी कितनी क्या रहेगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।